नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार की सुबह जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। निजामपुर चौराहे पर दबंगों द्वारा विकास यादव नाम के युवक की पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा घटनास्थल की गई है छानबीन। बॉडी को भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की कठोर कार्यवाही। हर काम देश के नाम वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में लोगों में जागरूकता और नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत कर अपने बलों को जाने कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के हजारों स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभाग। लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया हवाई प्रदर्शन। बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर अपने परिवार के सभी लोगों के सुख समृद्धि की कामना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 50 नवजात बेटियों के साथ केक काटकर मनाया गया सामूहिक जन्मोत्सव। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने नवजात शिशु बेटियों को बेबी किट, कपड़ा और पौधे का किया वितरण। कहा बेटियों को समान अधिकार दिलाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का है मूल मकसद। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम एवं विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने किया शुभारंभ। कहा लाभपरक जानकारी उपलब्ध कराकर आम लोगों सहित युवा जन को रोजगार दिलाने में मदद करना प्रदर्शनी का है मूल उद्देश्य। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जीआरपी पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधीश सिंह ने कहा यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा है उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक महिला कांस्टेबलों के द्वारा नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए निकाला गया स्कूटी बाइक रैली। लोगों को हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने के लिए किया गया जागरूक। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की बेटी इशिता शुक्ला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट के रूप में लेंगे हिस्सा। सदर सांसद रवि किशन ने कहा हर पिता के लिए बेटे बेटी की सफलता से होती है बेहद खुशी। जनवरी से होने वाले सांसद खेल स्पर्धा 2023 के आयोजन के संबंध में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुआ संपन्न। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने दी जानकारी। मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मेला घूमने वालों की लगी रही भीड़। लोगों ने मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त व सामानों की जमकर की खरीदारी। और 3 दिवसीय सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 200 से ज्यादा बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 26 जनवरी को समापन के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे हैं। इस दौरान सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। बुधवार को मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे तथा दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे।
तिवारीपुर थाना क्षेत्र के निजामपुर चौराहे पर दबंगों द्वारा विकास यादव नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या की गई। आपको बता दें कि शाम 7 बजे विकास यादव निजामपुर चौराहे से होते हुए अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ युवकों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची तिवारीपुर थाने की पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना स्थल का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है। परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोअर ने कहा, देखिए आज 7:20 के आसपास की एक घटना की जानकारी थाना तिवारीपुर क्षेत्र में शाम को ये प्राप्त हुई कि विकास यादव नाम का एक युवक जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था, गली में कुछ लड़कों द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उसको चोटें आई। तत्काल उसको हॉस्पिटल के लिए रश किया गया, पुलिस भी साथ में गई। हॉस्पिटल में उसको जो चोटें आई थी उसके तहत उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मौके का जो निरीक्षण है वो सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। परिजनों के साथ संपर्क किया जा रहा है, घटना की जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ घटना स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के द्वारा और आसपास के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके माध्यम से घटना क्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्या घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी की जा रही है। परिजनों से जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके विश्लेषणात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी 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 परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी और जो आसपास लोगों से बातचीत हो रही है उसके आधार पर ही अग्रिम विवेचना जो आगे बढ़ाई जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको संज्ञान में लेते हुए इसमें दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने और नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत करने के लिए मंगलवार को वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में अपने बलों को जाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष नीतिका सहदेव ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया और Mi-17 V-5 हेलीकॉप्टरों द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं का पंखुड़ी गिराकर स्वागत किया गया। इसके अलावा विद्यालय के छात्र व छात्राओं को लड़ाकू विमान जगुआर सहित अन्य वायुसेना के सभी विमानों के बारे में जानकारी दी गई। वही कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुण द्वारा ऑपरेशन अभ्यास आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसका उपस्थित लोगों ने अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साह वर्धन किया और कार्यक्रम में आयोजनों के अलावा लड़ाकू विमानों हेलीकॉप्टरों और भारतीय वायुसेना की अन्य सैन्य साजो सामान की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिस पर लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विशेषकर छात्रों ने खरीदारी की। लोगों ने लड़ाकू विमानों हेलीकॉप्टरों और अन्य भारतीय वायुसेना उपकरणों को निकटता से अवलोकन किया, जो कि पहले कभी नहीं देखा था। इस अवसर पर एयर कमोडोर मनीष सहदेव, एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार, एनजी जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोअर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित विद्यालय के छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक वैष्णवी संगीता करुणेश मीनाक्षी और वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष नीतिका सहदेव ने कहा, My name is Divya Chauhan and I am from Ikka Poses School and the answer is Avni Chatskira. Huge round of applause for the correct answer. I'm sure all of you must be inspired by Avni Chatskira. Okay, the next question. Which is the highest rank in Indian Air Force?
Wonderful, wonderful. He has over 2,500 hours of flying experience. An alumnus of Indian Tag Team, PSSC Wellington and NBC. And gift will be given by our dear ma'am. Look at the aircraft. The surprise is still not open. This B-17 aircraft is being commanded by Squadron Shivraj and Squadron Gopale as co-pilot. Please give them a big round of applause. So let us continue. Thank you. बहुत बढ़िया, इसी जोश के साथ हमें दो तीन क्वेश्चंस के जवाब और दीजिए. Let this question. Okay, we have a contender, please. I am Manjit Sani from Class 9C from Air Force School. The answer is scared. Wonderful, please. Good answer. Yeah. आंखें रनवे की तरह बनाए रखें क्योंकि अब Jaguar in 3, 2, 1, towards the runway. नहीं है वो नाम को जा सकते हैं आप.
जी की मधुर धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक ऐसे ही कलाकार मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव हमारे वायु सेना पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Depicting the strength and courage is Wing Commander A.K. Yadav.
the formation leader at top, who is solely controlling the whole formation. He is a senior parachute jump instructor with more than... Please, let them see that you are with fitness. Look straight ahead as they land in front of you. They will shortly de-link and land individually. The maneuver is being performed by Warrant Officer R.K. Mishra, PGI, with more than 1100 jumps to his credit, and J.W. Anil, PGI, with more than 800 jumps to his credit. Hello. ठीक लगा। क्या देखा आपने? क्या देखा? एरोप्लेन। हाँ? एरोप्लेन। और क्या लिया आपने? एक बार बोल दो चलो। वैष्णवी। मैंने यहाँ पे काफी सारे different types के aircrafts देखे and unit stalls देखे, तो काफी अच्छा है, मजा आ रहा है। It's very nice. इसके अलावा कुछ जानकारियाँ भी एयरफोर्स के लोगों द्वारा जिन दी गई है, क्या क्या बताया गया? बस वो अपने एयरक्राफ्ट के बारे में ही बता रहे हैं। तो पहली बार आई हैं? हाँ जी, मैं पहली बार। कैसा लगा? बहुत बहुत मजा आ रहा है। संगीता करुणेश। यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स देखने को मिले जो डिस्प्ले में हैं, और हमें काफी फ्लाई करते हुए भी दिखे, तो अच्छा लग रहा है आकर। कैसा लगा यहाँ पे? पहली बार आई हूँ। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। मैंने हेलीकॉप्टर भी देखा, जगुआर देखा, सूर्य किरण देखा, तो अच्छा लग रहा है। जानकारी जान के भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह के हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मीनाक्षी। ट्रेन पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ हम लोग टीवी पर देखते थे, वो आज प्रत्यक्ष रूप से देखी है। जगुआर और बहुत सारी एक ऐसी चेयर देखी है जो निकल जाती है जब कोई इमरजेंसी होती है। काफ़ी कुछ इन लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, और आज सच में पता चला कि हमारी जो वायु सेना है वो सच में बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत अच्छी है। बहुत सारी प्रदर्शनी लगी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने घर में ले जाके लगा सकते हैं कि वायु सेना का है ये, इस तरीके से। हाँ, बदलाव क्या, बस ये है कि मुझे आज पता चला है कि हमारी जो वायुसेना है सच में बहुत एडवांस है और कितना करती है। जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे हमारी रक्षा करती है, हवा से लोगों को बचाती है, चारों तरफ हम पर नज़र रखती है, और बस बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम नीतिका सहदेव है, मैं प्रेसिडेंट आफा लोकल हूँ। आई एम मैरिड टू एयर कोमोडोर मनीष सहदेव, who is Air Officer Commanding Air Force Station Gorakhpur 17 Wing. हम अपनी families के लिए एक welfare organization जिसका नाम आफा है चलाते हैं, Air Force Family Welfare Association. इसके तहत बहुत सारे ventures और welfare activities station में चलाई जाती हैं। उनमें जो मेन एक्टिविटीज़ हैं या वेंचर्स हैं वो हैं हमारी आफा शॉप्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स जो बच्चों के लिए, संगिनियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए यूज़फुल हैं वो बेचे जाते हैं। उसके अलावा हमारा एक संगिनी कॉर्नर मेन होता है इन शॉप्स में, जिसमें जो हमारी संगिनियाँ आइटम्स बना के सेल करना चाहती हैं, आफा चाहता है उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, तो ये एक हेल्प है। एक कॉर्नर हम सिर्फ संगिनीज को देकर रखते हैं, वो अपने आइटम्स खुद के बनाए हुए वहाँ सेल करती हैं और प्रॉफिट्स उनको जाते हैं। उसके अलावा स्टेशन में दो प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं, एक और स्कूल चलाया जा रहा है जिसका नाम है उम्मीद, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए स्कूल है। देन हमारे और बहुत सारे वेंचर्स हैं, जैसे कि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जिसमें हम अच्छे रेट्स में स्टेशन के अंदर क्लासेस चला रहे हैं, जिसका फ़ायदा संगिनीज और उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे उठा रहे हैं। इसके अलावा हमारे टाइक्वांडो में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है।
हमारी हॉबी क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, स्टिचिंग क्लासेस हैं, ड्राइविंग क्लासेस भी हम चला रहे हैं जो संगिनीज को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो मेन एम आफवा का है कि लेडीज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, अवेयरनेस लेवल उनका आज की दुनिया के बारे में ज्यादा हो, उनका हर वे से वेलफेयर हो और एयरफोर्स स्टेशन एक खुश सुखी परिवार बनकर रहे। धन्यवाद। गोरखनाथ मंदिर में बुढ़वा मंगल पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में वर्षों से चली आ रही मकर संक्रांति के अवसर पर शिवतारी गुरु गोरखनाथ बाबा को लोग दूर दूर से खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। वहीं श्रद्धालु घंटों लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस दिन लोग गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठा होते हैं और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और अपने परिवार के सुख शांति की कामना करते हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया था। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार तक पुलिस फोर्स की कड़ी सुरक्षा लगी हुई थी, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने बताया कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व था, जहां लोग शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं और यही प्रथा है कि मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है, जिससे ढेर सारे श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि हम कई वर्षों से मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं, गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूरी होती है। हम खिचड़ी के साथ चावल, हल्दी, पैसा, नमक चढ़ाते हैं। मऊ जिले से आए श्रद्धालु ने कहा कि यहाँ रह कर पढ़ाई करती हूँ, मेरा सौभाग्य है कि बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ। गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था काफी अच्छी और सुदृढ़ है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, आराम से लोग दर्शन कर ले रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिवेंद्र पांडे, मानवी पांडे, नेहा मौर्य और गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने कहा। नीरज आयुष की मम्मी नीरज गया पार पकड़ कर रखे हटाइन लोगों को मेला क्षेत्र में भेजे। वहीं पर जाकर विकास से मिले। ये कटहल के पास जो भी दर्शनार्थी इकट्ठा है बीच रोड में, रोड रास्ता छोड़ दें और दर्शन करना है तो कृपया लाइन लगाकर अंदर जाए, एक जगह इकट्ठा ना रहे। क्या
मेरा नाम शिवन पांडे है। और कितने वर्षों से आप यहाँ मंदिर आ रहे हैं? मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और यहाँ जो है बहुत जाना माना प्रसिद्ध जो है गोरखनाथ मंदिर है, योगी आदित्यनाथ जी का जो है स्थान है गोरखपुर। तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो मान्यता बहुत है कि गोरखनाथ जो है खिचड़ चाहा जाता है। तो हम लोग आज आए हैं और जो है बहुत भीड़ है यहाँ पे जो है, ये कैसा लगा माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था भी जो है बहुत अच्छा है और माहौल भी अच्छा है और दर्शन भी अच्छे से हो गया। मैं पुणे से हूँ, नेपाल बॉर्डर के पास पुणे जी। मेरा नाम मानवी पांडे है। मैं कितने सालों से आप गोरखनाथ मंदिर आ रही हैं? हमारा दूसरा साल है, दूसरे साल से आए हैं। खिचड़ी पढ़ाया आपने? जी बहुत अच्छे से। खिचड़ी में चावल था और मूंग दाल थी, उसमें जो मटेरियल होता है सब वही सब चढ़ाया और पूजा पाठ बड़े अच्छे से नरियल भी चढ़ाया मुझे। यहाँ की मान्यता है कि जो लोग अच्छे मतलब मन से अपना श्रद्धा जताते हैं वहाँ पे सब मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। सर मेरा नाम नेहा मौर्य है, मैं यूपी जिले अरे मऊ जिले से हूँ। कितने वर्षों से आप गोरखनाथ मंदिर आ रहे हैं? सर मैं तो अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ के बारे में गोरखनाथ के बारे में बहुत सुना था और लोगों का इसके प्रति आस्था बहुत है कि गोरखनाथ का मंदिर है जो खिचड़ी से एक महीने तक लगा रहता है और बहुत काफी प्रसिद्ध भी रहता है। और लोगों की ये आस्था है कि लोग आ रहे हैं और हमारी यूपी में इतनी बड़ी बात है कि गोरखनाथ मंदिर भी यहाँ पे गोरखनाथ लोग आ जा रहे हैं घूमने के लिए। इससे अच्छा कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत ही अच्छा है। खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ चढ़ाया। क्या क्या चढ़ाया है खिचड़ी में? चावल है, दाल है, गुड़ है, दाना है जो हम लोग हिंदी में बोला जाए लाई, वो चढ़ाया हमने और प्रसाद भी था। यहाँ का लड्डू बहुत फेमस है। उसी क्रम में वर्षों से योगा का भी महत्व है। इस दिन भारी संख्या में महिला पुरुष बच्चे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर अगले वर्ष जाकर खिचड़ी चढ़ाएंगे, पुष्प चलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। ये क्रम अनेक वर्षों से चला आ रहा है। आज विवाह मंगल है, इसी नाते भारी संख्या में आप देख रहे हैं दर्शनार्थी आ रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी को प्रसाद खिचड़ी ये सब चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल में समाज कल्याण विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि एसडीएम सदर नेहा बंधु ने नवजात बेटियों के साथ केक काटकर सामूहिक जन्मोत्सव मनाया, जिसमें जनवरी माह में पैदा हुए 50 नवजात बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई और नवजात शिशु बेटियों को बेबी किट, कपड़ा और पौधा वितरण किया गया। जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि बेटियों को समान अधिकार दिलाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का मूल मकसद है। बेटियां पढ़ लिख कर अपने हुनर और शिक्षा के दम पर आगे बढ़ रही हैं। अभिभावकों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आज भी बेटों के मुकाबले बेटियों की पैदाइश कम है, हमें अपनी मानसिकता और नजरियों को बदलने की जरूरत है। इस अवसर पर महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर जय कुमार, BB सिंह, CK वर्मा, तुहिना दास गुप्ता, संगीता सिंह, विभूति त्रिपाठी, सुनीता चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर नेहा बंधु ने कहा, और बच्चे और बच्चियों में जो भेद चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक महोदय के स्वागत के लिए मैं बुलाना, मैं संगीता सिंह जी से जो अनुरोध करूंगा कि बैच लगाकर मैं चाहूंगा कि ऐसा ही SIC सब दम धक जा रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday.
बच्चियों से जुड़ी हो और बच्ची ओरिएंटेड हो, बालिका ओरिएंटेड हो, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आज 32 बच्चियों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, जिसकी बच्चियां और उन्हें गार्जियन के साथ उपलब्ध है, उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बच्चियां जो हाई स्कूल में इंटर में टॉप करती हैं, इस योजना में उन बच्चियों को सम्मानित में जो मुखबिर योजना के अंतर्गत जो भी इसमें सूचना देते हैं उनको भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी हमारी महिला वर्कर्स जो कि ग्राउंड लेवल पे परिवारों से जुड़ी हुई है, उसमें आशा है। इस बार शासन से निर्देश है कि बच्चियों के परिवारों को एक एक पौधा फलदार वृक्ष दिया जाए, जो बच्ची के जन्म के साथ ही उस पौधे का रोपण करें। आ जाइए आप, अंतिमा ले ली, ले ली, आप ले ले, आप ले ले सर जी, बच्ची, हाँ बच्ची कहाँ है? साजिया पिताजी हैं बच्ची के, आ जाइए। अगली लाभार्थी हमारी सोनम है, वो भी धीरे से आ जाए बगल से रास्ते से। सोनम, सोनम आप, हाँ सोनी, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाइए सर, तो गौर ठीक है, बस खड़ी रहिए, खड़ी रहिए, इतना हो जाए दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाए। प्रतिवर्ष की तरह हम राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मना रहे हैं, और आप लोगों को भी संज्ञान में होगा सरकार के द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत ही इसमें बहुत ही इनका फोकस रहता है। इस संबंध में मुझे बोलना है कि यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है आज महिला चिकित्सालय में, जितनी भी बच्चियों ने जन्म लिया है उनको हम उपहार दिए जाएंगे, और हमने एक केक भी काटा है जैसे आप देख रहे हैं। परंतु यह जो दिवस है उसका जो एक्चुअल में क्रियान्वयन होगा वो तभी संभव है जब हम बालक बालिकाओं को समान के अधिकार से अधिकार दें, और उसके लिए ज़रूरत है कि जो बालिकाओं का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, उसमें हम ये कोशिश करें कि उन्हें कोई भी भेदभाव की दृष्टि से या उनका जो भविष्य है उसको संयोजित रखने के लिए उन्हें हर जो क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो उनका करियर है, तो उन सब में उन्हें समान अधिकार जब मिलेंगे तभी हमारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अवसर है, जो हमारा ये उत्सव है, उसको सही मायने में ये तभी सरोकार होगा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अब सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगे उसे लेके जा रहा है, और इसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें कुछ भी लाभकारी योजनाएं मिल रही हैं उसमें महिलाओं का समुचित यहाँ पे ये महिला चिकित्सालय है, ये भी एक तरह से इसका पार्ट है कि आपने महिलाओं को समुचित अवसर देने के लिए उनको उनकी उनको कुछ अव्यवस्थाएं या कुछ उनको जो समस्याओं का समाधान हो, इस वजह से उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो वो भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काफ़ी उनको फायदा देगा। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने फीता काटकर किया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया। श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया था। विकास भवन प्रांगण में कुल 12 स्टॉल लगाए गए हैं। श्रम एवं सेवा योजन व स्किल डेवलपमेंट कार्यालय द्वारा विभागीय जानकारी उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे आम लोगों सहित युवाजन को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। NRLM द्वारा विभिन्न प्रकार के हैंडमेड बैग, धूप बत्ती, हल्दी, मसाला, चना, बेसन, उलेन वस्त्र, डूडा द्वारा समूह के उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री, खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के जूट मैट, रेडीमेड गारमेंट, ट्रैक सूट,
लोअर तथा कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को लाभपरक जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योग विभाग द्वारा ODOP के अंतर्गत टेराकोटा स्टॉल लगाया गया है। इस बारे में मुख्य अतिथि बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन लखनऊ स्तर पर होता था, किंतु इस वर्ष प्रदेश के सभी जनपदों में उक्त आयोजन भव्यता के साथ आयोजित किए गए हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक जगत खासकर लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का कार्य के साथ सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के नए अवसर, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत युवाओं को स्वावलंबी एवं रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया तथा स्टॉलों पर जाकर जानकारियां प्राप्त करने के साथ ही साथ खरीदारी का भी लाभ लिया। कार्यक्रम का संचालन परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी डूडा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, मनीष तिवारी, मनोज कुमार गुप्ता, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा, आप लोग बताओ सर, सुना ना समृद्धि फाउंडेशन पादरी बाजार एकदम अच्छा। ये अभी मौसम सर 1,00,000 की बिक्री किया। अच्छा, जल्दी आपका बनाया हुआ है जी सर। हम लोग खेत से ला के उबाल के महिलाएं हम लोग खेती भी कर रहे हैं, उत्पादन समूह द्वारा खेती भी कर रहे हैं। कहाँ रहने वाली है? तिरंग पानी क्लास सर, और 15 महिलाएं हम लोग हैं। शहरी समूह सर, खादी ग्रामों तो PM जी की योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का नहीं जो वाली बना रहे हैं तो बेचा रहे हैं। भैया थोड़ा सा आगे आइएगा भैया, थोड़ा पीछे पीछे आइए। अभी पहले जो जिला विकास अधिकारी श्री राजमणि वर्मा जी, DD एग्रीकल्चर साहब हैं सर। प्रदेश सरकार 2018 से UP दिवस मनाती चली आ रही है, उसी क्रम में आज उसी अनुसार हम लोगों ने स्टॉल यहाँ लगवाए हैं। जनपद में बहुत इस तरह के स्टॉल हैं, बहुत लोग काम करते हैं, किंतु हम लोग स्टॉल प्रदर्शनी के तौर पर इतना लगाए हैं। के लोग हैं, कौशल विकास के हैं, उनको सबको हम चाहेंगे कि आपके हाथों से केशव शर्मा जी का चेक है। बुधराम जी आ जाए, बुधराम को तो सतनाम ये क्या रहेंगे। एनार्लम की DC सचिव चुनाई दी जाती है, ये विजेता निशान खासी पन्नेलाल परिजी भाग्यशाली है और काजल सेकंड स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा। धन्यवाद। अरे एक मिनट धन्यवाद। अभी
देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस की मंशा यही थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि हम पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ में होता था ये प्रदेश दिवस, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अब इसको मनाया जा रहा है। और इसके मनाने का उद्देश्य इतना है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो पैदावार हो रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगी है या यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे नर्सिंग की बात कर लें, चाहे जूट की बात कर लें, चाहे लोकल मिलेट्स की बात कर लें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों के लिए मिल रहा है जो अपने उत्पाद को पूरे शहर में इसको बता सकते हैं सही प्लेटफॉर्म पर, और उचित मूल्य भी मिल सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए। आज के इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि पूरे शहर में आपके मार्फत की ये लोगों में जागरूक होना चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज गोरखपुर में 3 दिवसीय ये उत्तर प्रदेश मनाया जा रहा है। जो गोरखपुर में जो भी विकसित टेराकोटा है, जैसे मैंने कहा कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब लोग यहाँ पर आए, देखें और इसका लाभ उठाएं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार की सुबह जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। निजामपुर चौराहे पर दबंगों द्वारा विकास यादव नाम के युवक की पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा घटनास्थल की गई है छानबीन। बॉडी को भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की कठोर कार्यवाही। हर काम देश के नाम वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में लोगों में जागरूकता और नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत कर अपने बलों को जाने कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के हजारों स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभाग। लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया हवाई प्रदर्शन। बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर अपने परिवार के सभी लोगों के सुख समृद्धि की कामना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 50 नवजात बेटियों के साथ केक काटकर मनाया गया सामूहिक जन्मोत्सव। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने नवजात शिशु बेटियों को बेबी किट, कपड़ा और पौधे का किया वितरण। कहा बेटियों को समान अधिकार दिलाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का है मूल मकसद। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम एवं विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने किया शुभारंभ। कहा लाभपरक जानकारी उपलब्ध कराकर आम लोगों सहित युवा जन को रोजगार दिलाने में मदद करना प्रदर्शनी का है मूल उद्देश्य। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जीआरपी पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा है उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक महिला कांस्टेबलों के द्वारा नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए निकाला गया स्कूटी बाइक रैली। लोगों को हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने के लिए किया गया जागरूक। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की बेटी इशिता शुक्ला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट के रूप में लेंगे हिस्सा। सदर सांसद रवि किशन ने कहा हर पिता के लिए बेटे बेटी की सफलता से होती है बेहद खुशी। जनवरी से होने वाले सांसद खेल स्पर्धा 2023 के आयोजन के संबंध में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुआ संपन्न। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने दी जानकारी। बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मेला घूमने वालों की लगी रही भीड़। लोगों ने मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त व सामानों की जमकर की खरीदारी। और
3 दिवसीय सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 200 से ज्यादा बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 26 जनवरी को समापन के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए जीआरपी पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि जनपद में खिचड़ी का पर्व और बुढ़वा मंगल का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें काफी संख्या में यात्रियों और श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है तथा आगामी 26 जनवरी को देखते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तथा सर्कुलेट एरिया में जीआरपी व आरपीएफ सहित पीएसी के जवान तथा डॉग स्क्वाड द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जो कि अगले 26 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके लिए सभी स्टेशनों पर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी लावारिस वस्तु को किसी भी अनजान व्यक्ति का कोई भी वस्तु दिया हुआ ना खाएं तथा रेलवे लाइन को अनावश्यक रूप से पार ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जीआरपी पुलिस की ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है। इस अवसर पर सीओ जीआरपी सुनील कुमार राय, जीआरपी इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, Bomb 2 is expected to arrive on platform number 2 at 13:25. Bomb 2 is expected to arrive on platform number 2 at 13:25. भाई खोलिए जी, खाने आइए साहब। आइए मोहर भैया, एकदम एकदम पीछे हैं।
गोरखपुर में गोरक्षधाम में खिचड़ी का पर्व और इसके बाद बुढ़वा मंगल का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसमें काफ़ी यात्रियों दर्शनार्थियों का आवागमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए आज रेलवे स्टेशन परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया को RPF, GRP, PSC के जवानों द्वारा मैं डॉग स्क्वाड के चेक किया गया और यह चेकिंग हमारी अनवरत गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगी। सारे स्टेशनों पर इस तरह की चेकिंग करने के लिए गणतंत्र दिवस को मद्देनज़र रखते हुए आदेश किया गया है और जो हमारे रेलवे यात्री हैं उनसे विनम्र निवेदन और अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि वो लोग किसी संदिग्ध वस्तु को टच न करें, किसी अपरिचित आदमी का दिया हुआ कोई सामान खाने पीने की वस्तु का प्रयोग न करें। इसके अलावा रेलवे लाइन को अनावश्यक रूप से क्रॉस करने की कोशिश न करें। यही इनसे निवेदन बार बार किया जा रहा है और ड्यूटियां पर्याप्त मात्रा में लगाई गई हैं। PSC भी एक प्लाटून मिल गई है, बाहर से भी ड्यूटियां आई हुई हैं। तो इस तरह से रेलवे पुलिस बराबर सतर्कता बनाए हुए है और निश्चित रूप से सारा त्यौहार और पर्व सफल सम्पन्न कराया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस लाइन से ट्रैफिक महिला कांस्टेबलों ने मंगलवार को नागरिकों में जागरूकता के लिए दो पहिया स्कूटी रैली निकाली, जिसका शुभारंभ संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह व प्रोफेसर मेजर विनीता पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि यह दो पहिया स्कूटी रैली पुलिस लाइन से होकर यातायात तिराहा, धर्मशाला, तरंग क्रॉसिंग, गोरखनाथ, गणेश चौराहा, छात्र संघ होते हुए नौकायन पर जाकर समाप्त हुआ। रैली के माध्यम से लोगों को बिना हेलमेट व सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया गया, जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि शहर में वाहन चलाते समय जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया था कि वर्ष के शुरुआत में ही सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाए, जो कि 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेगा, जिसको देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों तक सड़क सुरक्षा के संदेश को पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें गोरखपुर वासियों का बहुत सहयोग भी हमें मिल रहा है। लोग अब ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके वाहन का चालान किया जाता है। इस अवसर पर ARTO संजय कुमार झा, रोड सेफ्टी पार्क मैनेजर सुमिता मिश्रा, CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, TI मनोज कुमार राय, धर्मेंद्र सिंह, अरुण कुमार पांडे, TSI राम वृक्ष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निशा किन्नर, गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मेजर विनीता पाचक और RTO अनीता सिंह ने कहा। मुलाकात हुई थी, हमारे यहाँ से
चाकरी, क्या नाम आपका? पीछे एम्बुलेंस भी लगा हुआ है, खैर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पैदल यात्रा नहीं। 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं और आप बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। आप रोज सुनते हैं, सुबह से माइक पे आवाज आती है लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं लोग। तो आज यहाँ एनसीसी के बच्चों को इसीलिए बुलाया गया है। सर, इस अभियान में लगा हुआ है, मैं सबसे कहूंगी कि आप दाहिना हाथ आगे करके प्रतिज्ञा लीजिए। मैं शपथ लेती हूँ, मैं सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगी, यातायात नियमों का हमेशा और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा। दो पहिया हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, बात नहीं करूंगा, रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। हाँ, बोलरो जाएगा आगे, उसके पीछे जिप्सी रहेगी। लाइन में रहेंगे गुरुद्वारा 2023 से 4 फरवरी 2023 सुरक्षा माह। बीच में गैप रखिए, दोनों किनारा लेफ्ट राइट रहिए। बाकी कार्यक्रम में दोनों भी हम मौजूद हैं। सबसे आज यहाँ पे कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि यातायात के नियमों को सबको बताया जाए, सबको हमारे सर लोग हैं बता रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी चलाया जाए। नशे में नहीं चलाना चाहिए और नींद आए तो नहीं चलाना चाहिए, थकान हो जाए तो नहीं चलाना चाहिए। इस तरीके से जागरूकता अभियान 4 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक किया जा रहा है। और मैं निशा किन्नर गोरखपुर से न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष आप सबके बीच में हूँ, मैं भी इस अभियान में शामिल हूँ। नमस्ते। ये रैली सड़क सुरक्षा रैली है जो विगत महीने 5 जनवरी से 4 फरवरी तक लगातार ये परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलके मेहनत करके इन लोगों ने रैली निकाला है, सिर्फ यातायात नियमों का पालन करने के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए। लोगों को नित्य प्रति तरह तरह की रैलियां निकाल करके लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो प्रत्येक वर्ष जो सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है उसकी कमी के लिए परिवहन विभाग बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। उसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि वर्ष के शुभारंभ में ही एक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाए जो 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक हो रहा है। इसमें विभिन्न प्रोग्रामों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करके हम लोगों तक और बच्चों के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के संदेशों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें गोरखपुर जनपद वासियों का बहुत सहयोग भी मुझे मिल रहा है, विभिन्न विभागों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं विनीता पाठक मैम, जो प्रोफेसर मेजर हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के HOD भी हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, वो भी आई हैं अपने बच्चों के साथ और बहुत ही उत्साह से सब बच्चों ने इसमें रैली में पार्टिसिपेट किया हुआ है। हर पिता के लिए अपने बेटे और बेटियों की सफलता निश्चित रूप से बड़ी खुशी देता है। कुछ ऐसा ही सांसद रवि किशन के साथ हुआ। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के गणतंत्र दिवस के परेड में सांसद रवि किशन की सुपुत्री इशिता शुक्ला हिस्सा बनेंगी। रवि किशन शुक्ला ने कहा कि मेरी बेटी इशिता शुक्ला 26 जनवरी को राष्ट्रीय परेड में हिस्सा ले रही है और माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष और पूरे देश के सामने अपना राष्ट्र प्रेम प्रकट करेंगी। इस बात पर
मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि बेटी इशिता शुक्ला पढ़ाई के ही साथ साथ एनसीसी से जुड़कर अच्छे अनुभव प्राप्त कर रही है। कड़ी मेहनत से बेटी को अभूतपूर्व अवसर मिला है, बेटी ने अपनों का सम्मान बढ़ाया है। सदर सांसद ने कहा कि हर पिता को अपने बेटे बेटी की सफलता से बेहद खुशी होती है, मुझे बेहद अच्छा लगा बेटी परेड में शामिल हो रही है। देश सेवा का जुनून उसमें है, निश्चित ही वह बेहतर करने के लिए प्रेरित होगी। सांसद रविकिशन शुक्ला के साथ ही इस सफलता पर समरेन विक्रम सिंह, जय यदुवंशी, पवन द्विवेदी, शिवम द्विवेदी, रणजय सिंह जुगनू, मनोज गुप्ता सहित सभी सहयोगी साथियों ने बेटी को शुभकामनाएं और बधाई दिया और कहा कि अपने पिता की तरह बेटी इशिता शुक्ला भी जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल करे, यही गोरक्षनाथ बाबा से प्रार्थना करते हैं। विकास भवन सभागार में सांसद खेल स्पर्धा 2023 के आयोजन हेतु एक बैठक बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जनपद गोरखपुर के दोनों लोकसभा क्षेत्र बांसगांव और सदर में सांसद खेल प्रतियोगिता होनी है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। सदर लोकसभा के प्रतियोगिता का शुभारंभ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। वहीं बांसगांव संसदीय क्षेत्र की प्रतियोगिता का शुभारंभ रुद्रपुर जनपद देवरिया के 87 इंटरमीडिएट कॉलेज में होगा। प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम आदि खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, एकांकी, बांसुरी, तबला आदि की प्रतियोगिता भी होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय मीना, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, जिला युवा कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा, हम लोग ले जा सकते हैं। सांसद खेल महाकुंभ की तैयारी की बैठक आज चल रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था कि ग्रामीण अंचल से जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी सही प्लेटफॉर्म मिले, वो भी अपने प्रदर्शन दिखा सके। तो आज उसी को लेकर पिछली बार भी हम लोगों ने किया था सांसद खेल महाकुंभ, इस बार भी 27 से चालू हो रहा है बांसगांव लोकसभा सदर का, तो उसी की तैयारी बैठक थी। और इस बार भी हम अपने पूरे बांसगांव के सभी सम्मानित उन खिलाड़ियों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि 27 से आरंभ हो रहा और आजकल में कौन सा खेल किस जगह होगा, कौन से ग्राउंड पर होगा, तो वो जान जाए तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जो त्रुटियां रही उसको और बेहतर तरीके से इस बार हम लोग करने का काम करेंगे। 27 फरवरी से मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में बुढ़वा मंगल पर मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मंदिर में लगे मेले में पहुंचे, जहां मेले के अंदर श्रद्धालुओं ने बहुप्रसिद्ध खिचड़ी, मेले में बिकने वाले खोए के खाजा, घर के जरूरत के सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सामान की भी खरीदारी की। श्रद्धालुओं ने मेले में लगे चाट, पकौड़ी, समोसे की दुकानों पर पहुंचकर जमकर नाश्ता किया। पुरुष, बच्चे, महिलाएं तथा वृद्ध भी खिचड़ी मेले का जमकर लुत्फ उठाते हुए देखे गए। जिसके संबंध में मेले में घूमने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग यहां पर कई वर्षों से मेला घूमने के लिए आते हैं, हम सभी लोग झूला झूलते हैं, हमारा पूरा परिवार यहां आकर मेले का लुत्फ उठाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेला घूमने आए श्रद्धालु ज्योति सिंह, कंचन साहनी, विकास निषाद और राज कपूर ने कहा, वाली है आपके साथ प्रकाश और रवि, दो तीन आने वाली है, आवाज सुन रही हूँ सरिता।
भाई के लिए लाया था। बड़ा बड़ा माल है, 50 रुपए हर माल। हर माल 50, हर माल हर आइटम 50। हाँ, केवल 50 रुपए हर एक माल। अगर आप आवाज सुन रही हो तो जहाँ पर जूता चप्पल उतारा गया वहाँ पहुँच जाए। एक रीता त्रिपाठी 50 का एक है। रीता खिचड़ी के मेले में आई हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? हम लोग झूला देखा पूरा, मतलब जो भी खाने वाला चीज है सब कुछ मिल रहा है, और सिंगार का सामान भी हर चीज मिल रहा है यहाँ पे। अकेले होंगे? नहीं, मेरे दोस्त है, उनके साथ आए हैं। हाँ, झूला झूलने जा रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? से हम लोग हर साल आते हैं। नानी राम से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खिचड़ी के मेले में आके वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तरह तरह के झूले हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं जा रहे झूले, हम बहुत भीड़ है झूले में। कितने साल से आ रहे हैं? हर साल आते हैं हम लोग झूले। आप जाएंगे? नवा पार विकास निषाद। खिचड़ी का मेला घूमने आया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खिचड़ी मेला घूमने आया। मेले में झूला देखे हैं, मूर्त देखे हैं, बहुत सारे जंतु भी आए जो हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। लगता भी झूले हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर साल हम आते हैं, मेला दो में सब झूला झूल चुके हैं, बस दो तीन बच्चे हैं वो झूलने जा रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं? हर साल हम आते हैं। नहीं, परिवार के साथ आते हैं। कहाँ पे हैं? उसमें जंगल लास कपूर। आप यहाँ जो खिचड़ी का मेला घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पे हमें खिचड़ी का मेला देखना हमको बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ आए हैं, बच्चे भी खुश हैं, काफी दिनों से हम आते रहे हैं। कहाँ पे आए हैं? बस्ती से। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? कई वर्षों से। हर साल खिचड़ी में? हर साल खिचड़ी मेला देखने आते हैं, झूला भी झूलते हैं। झूला? हाँ, झूला झूले। क्या क्या लगा हुआ मेले में? मेले में ये झूला, बड़े वाले झूले हैं, नाव वाले झूले हैं, और भी झूले हैं, बच्चों को दिखाए। सैयद मोदी बैडमिंटन प्रतियोगिता का एक निजी लॉन में शुभारंभ हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया, जिसके संबंध में बैडमिंटन के सचिव मृत्युंजय पांडे ने बताया कि यहां पर सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि हर वर्ष होता था, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष हो रहा है, जो कि जुलाई में होता था, लेकिन इस बार जनवरी में हो रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो कि 3 दिन तक चलेगा। 26 जनवरी को प्रतियोगिता का समापन होगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव मृत्युंजय पांडे ने कहा, जजमेंट थोड़ा सा पे सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट
जो कि हर साल हुआ करता था लेकिन कोरोना काल में नहीं हो पाया, तो इस बार आज हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग करते थे जुलाई में, तो इस बार हम लोग जनवरी में कर रहे हैं और बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। लगभग अभी तक हमारे पास 250 बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और हमारे पास अंडर 9, अंडर 11, अंडर 12, अंडर 13, 16 और 18 ग्रुप में यहाँ प्रतियोगिताएँ हो रही हैं। अभी आज ये 24, 25, 26 को फाइनल है, 26 को शाम को उसका फाइनल है। हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुरुबुक क्लब के सचिव श्री पीयूष बंका जी थे, साथ में हमारे काउंट सचिव श्री भूषण जी थे और मैं खुद यहाँ बैडमिंटन सेक्रेटरी मृत्युंजय पांडे, और हमारे यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग है मोमेंटम कोचिंग, उसके निदेशक श्री विकास अग्रवाल जी वो भी यहाँ थे, और सैयद मुजी जी के साथ खेले हुए कम से कम 5 खिलाड़ी वो भी यहाँ मौजूद थे अभी, जो कि बच्चों को अपना आशीर्वाद दे के यहाँ से गए। हाँ जी, बच्चे 29% करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। ये लखनऊ से आए हुए हैं डी कैथलॉन के प्रभारी, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो 26 तारीख को बच्चों का जो भी बच्चे विजयी होंगे उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार की सुबह जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। निजामपुर चौराहे पर दबंगों द्वारा विकास यादव नाम के युवक की पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा घटनास्थल की गई है छानबीन, बॉडी को भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर की जाएगी आगे की कठोर कार्यवाही। हर काम देश के नाम वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में लोगों में जागरूकता और नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत कर अपने बलों को जाने कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के हजारों स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभाग। लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया हवाई प्रदर्शन। मुड़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर अपने परिवार के सभी लोगों के सुख समृद्धि की कामना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 50 नवजात बेटियों के साथ केक काटकर मनाया गया सामूहिक जन्मोत्सव। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने नवजात शिशु बेटियों को बेबी किट, कपड़ा और पौधे का किया वितरण। कहा बेटियों को समान अधिकार दिलाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का है मूल मकसद। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम एवं विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने किया शुभारंभ। कहा लाभपरक जानकारी उपलब्ध कराकर आम लोगों सहित युवा जन को रोजगार दिलाने में मदद करना प्रदर्शनी का है मूल उद्देश्य। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जीआरपी पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधीश सिंह ने कहा यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा है उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक महिला कांस्टेबलों के द्वारा नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए निकाला गया स्कूटी बाइक रैली। लोगों को हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर गाड़ी ना चलाने के लिए किया गया जागरूक। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की बेटी इशिता शुक्ला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट के रूप में लेंगे हिस्सा। सदर सांसद रवि किशन ने कहा हर पिता के लिए बेटे बेटी की सफलता से होती है बेहद खुशी। जनवरी से होने वाले सांसद खेल स्पर्धा 2023 के आयोजन के संबंध में बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुआ संपन्न। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने दी जानकारी। मुड़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मेला घूमने वालों की लगी रही भीड़। लोगों ने मेले में लगे झूलों का उठाया लुफ्त व सामानों की जमकर की खरीदारी।
और 3 दिवसीय सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 200 से ज्यादा बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। 26 जनवरी को समापन के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।